वो इंसान जो सोसाइटी में हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं चूकता, वो इंसान जो हमेशा कहते हैं मैंने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, वो इंसान जो पैनल में कभी भी रूड नहीं होते लेकिन हाँ कुछ झूठी या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन सुन भी नहीं सकते। Hey everyone, I'm Ananya Srivastav and welcome to our YouTube channel V for Innovative. जर्नलिज्म ने हमें बहुत ही बेहतरीन और सक्सेसफुल जर्नलिस्ट दिए हैं कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक सक्सेसफुल और बेहतरीन जर्नलिस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार सर की पूरी लाइफ और सक्सेस स्टोरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें लेकिन टीवी कम देखिए। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफा बना रहे हैं। एक तो पहले श्रीदेवी की दुखद मौत हुई, उसके बाद हर चैनल ने श्रीदेवी को अपने अपने हिसाब से मारा और उसे हर देखने वाले ने, हर दर्शक ने लतीफा बनाकर अपने हिसाब से आग मारा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जरा देश की तरफ भी देख लीजिए। यूपी सरकार ने प्रयागराज के SSP अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया है। कानून व्यवस्था में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया। रवीश कुमार सर एक इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर और मीडिया पर्सनालिटी है। ये NDTV इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है और प्रोग्राम होस्ट करते हैं जैसे की NDTV का फ्लैगशिप वीकडे शो प्राइम टाइम, हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और देश की बात। रवीश सर का जन्म 5 दिसंबर 1974 को मोतिहारी बिहार इंडिया में हुआ था। उनका एक अपर कास्ट कम्युनिटी भूमिहर ब्राह्मण से ताल्लुक है। मोतिहारी इंडिया का एक गरीब क्षेत्र है जहां लोगों को पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। रवीश सर की बिहार से दिल्ली तक की जर्नी काफी हार्ड और टफ रही है, और तो और इंडिया में काफी यूथ के इंस्पिरेशन है ये। इन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन पूरी करी है लोयोला हाई स्कूल से, जो पटना में है। अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये दिल्ली चले गए थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है देश बंधु कॉलेज से, एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है हिंदी जर्नलिज्म में, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। जर्नलिज्म में अपना काम करने के लिए इन्हें काफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2019 में इन्हें सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2 बार हिंदी लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में रामनाथ गोइन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहली बार इन ईयर 2013 और दूसरी बार इन ईयर 2017। पर इनके अवार्ड पाने की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इन्हें जर्नलिज्म के लिए गौरी लंकेश अवार्ड, 2017 में कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड, 2014 में हिंदी जर्नलिज्म और क्रिएटिव लिटरेचर के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड मिला था, और तो और 2016 में ही वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन बाय द इंडियन एक्सप्रेस एंड आल्सो नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर बाय मुंबई प्रेस क्लब। इन्होंने आज तक टोटल 5 बुक लिखी है। पहली है फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, दूसरी है बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, जो कि हिंदी में है। तीसरी है इश्क में शहर होना, हिंदी में है ये भी। चौथी है दिखाते रहिए, ये भी हिंदी में है। और पांचवी है रवीशपंती, और ये भी हिंदी में ही है। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो इनकी शादी हुई है नयना दास गुप्ता जी से, जो न्यू दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट की हेड लेक्चरर हैं। इन दोनों ने लव मैरिज की है। शादी के पहले इन दोनों ने लगभग 7 साल तक डेट किया, और क्योंकि रवीश सर एक अपर कास्ट के हैं और नयना बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, इनकी शादी में काफी तकलीफें आई थी क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज होने वाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। रवीश सर उनके पेरेंट्स के ना मानने के बावजूद भी अपनी जिद पर अड़े रहे, और आज ये दोनों साथ हैं और इनकी 2 बेटियां हैं। ये आज इतने फेमस हैं उसके पीछे की मेहनत उनकी सैलरी में नजर आती है। इनकी पर मंथ की सैलरी है 18 लाख रुपीज। रवीश सर को उनके जर्नलिज्म के लिए पास्ट में कई बार डेथ थ्रेट्स भी मिले हैं। अब मैं आपको रवीश कुमार सर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताती हूँ जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। इनको अमिताभ बच्चन सर बहुत पसंद है, और तो और इनके फेवरेट सिंगर्स हैं लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी और मोहम्मद अजीज जी।
इनके प्राइम टाइम शो में ये अक्सर अपने यूनिक मोनोलॉग्स के कारण बड़े ही फेमस हैं। जैसे कि इनका एक मोनोलॉग था जिसमें इन्होंने कहा था कि आई हैव बीन सेइंग फॉर मंथ्स दैट देयर आर मॉब्स अराउंड इंडिया हु आर जस्ट वेटिंग फॉर अ सिग्नल। If you don't heed this warning now, then one day soon, these groups will drag you away too. Either to kill you or to get you to kill someone in their names. रवीश सर बताया करते थे कि दिल्ली जाने से पहले वो केवल तीन बड़े शहरों में घूमने गए थे, लखनऊ, जमशेदपुर और रानीखेत। जब देशबंधु कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था तो इनके मेंटोर्स ने इन्हें बहुत सी चीजें सिखाई थी, जैसे कि इंग्लिश में बात करना, टेबल पर खाना खाना, टाई पहनना और लड़कियों से कैसी बातचीत की जाती है वो भी। इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफी बार ट्राई किया लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं कर पाए। दिल्ली आने के बाद रवीश सर केवल एक चीज से डरते थे और वो था उन लोगों से जो इंग्लिश बोलते थे। उन्हें इंग्लिश इतना अच्छे से बोलना नहीं आती थी। उनके लैंडलॉर्ड शर्मा जी उनसे अक्सर कहा करते थे और उनको इंग्लिश सीखने की एडवाइस देते थे, लेकिन इनकी बैचलर्स डिग्री खत्म होने तक भी उनकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई। इन्होंने कुछ ऐसी लीड स्टोरीज कवर की हैं जिसके कारण ये काफी फेमस है, जैसे कि ये ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ्स को बड़ी ही शालीनता के साथ पेश करते हैं। रवीश की रिपोर्ट का पहला एपिसोड था पहाड़गंज के ऊपर और उसमें इन्होंने इस सिटी के उस पहलू के बारे में बताया था जो लोगों के सामने कभी आया ही नहीं था और वो भी एकदम लेमैन लैंग्वेज में। ये अक्सर कहा करते हैं कि टीवी न्यूज नहीं देखना चाहिए क्योंकि आधे से ज्यादा टीवी रिपोर्टिंग जो होती है वो बायस्ड होती है। इनके भाई ब्रजेश कुमार पांडे जी बिहार के पॉलिटिशियन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी। रवीश सर का अपना खुद का एक ब्लॉग है जहां वो अक्सर वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं जिसमें अनसंख्य इश्यूज कवर करते हैं, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सैटायर्स। रवीश सर और इनके शोज को केवल पब्लिक ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स भी काफी पसंद करते हैं। जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।